না না, এটা আমার ইয়ের কাছে। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड मैं निकल रही हूँ। कहाँ पर जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड एक्चुअली ये मेरा बहुत साल पुराना ड्रीम है जो कि आज से मैं पूरा करने की ट्राई कर रही हूँ। एंड वो क्या है, ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड येस, आज व्लॉग में सुख भी रहेगा, वो भी आ रहा है। एक्चुअली वो ही मुझे हेल्प कर रहा है। एंड वो बहुत दिनों से ही वो मुझे बता रहा था कि चलो चलो, तो तुम्हारा ड्रीम है ये, तो तुम पूरा करो, मैं तुमको हेल्प करूँगी। सो येस, सो मैं रेडी हो गई। ये व्हाट आई एम वेयरिंग, ओके। सो मैं अभी निकल रही हूँ जल्दी जल्दी। एंड ये स्कार्फ मैंने पहनी है क्योंकि बाहर बहुत धूप है एंड कवर करना इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि आप लोग भी जब बाहर जाओ तो स्कार्फ ऑब्वियसली लेना, एंड अम्ब्रेला भी लेना, सनस्क्रीन यूज़ करना। मैं भी कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मुझे जाना है हेस्टिंग्स, और हेस्टिंग्स जाने में 1 घंटा लग जाएगा क्योंकि हेस्टिंग्स मेरे घर से लगभग 35 किलोमीटर आए हुए। सो और वहाँ पे सुचू वेट कर रही है मेरे लिए, और सुचू पहले ही इंट्रोडक्शन दे दिया है। और आज हम जा रहे सुचू को बाइकिंग सिखाने के लिए। सुचू की बहुत दिन का ख्वाहिश था कि वो बाइक राइडिंग के लिए, और आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। सुचू ऑलरेडी पहुँच ही गया है, और तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो नेशनल हाईवे 2 है ये 4 लेन का था पहले, और अभी ये 6 लेन का होने जा रहा है, तो इसलिए ट्रैफिक जैम थोड़ा हो रहा है। और आज बाहर धूप बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी थोड़ा ज़्यादा है। कुछ भी हो जाए तो आज जाना ही है, क्योंकि बहुत दिनों से वो वेट कर रही है कि कब सिखाएगा हमको बाइक चलाना। और मैं ऑलमोस्ट डानकुनी पहुंच चुका हूँ, और ये अभी डानकुनी टोल टैक्स आ रहा है। यहाँ पे बाइक के लिए कोई टोल टैक्स नहीं लगता है, फिर सिर्फ फोर व्हीलर के लिए लगता है। और मैं अभी सेकेंड हुगली बीच का जो टोल टैक्स है वो क्रॉस कर लिया हूँ, और अभी सेकेंड हुगली बीच के तरफ जा रहा हूँ। मैंने बोला था कि वो 1 घंटा लगेगा, तो मैंने 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया हूँ ऑलमोस्ट, और कुछ ही देर में पहुँच जाऊँगा 5 और 6 मिनट। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुख आ चुका है एंड मैं उसकी हेस्टिंग्स में उसका वेट कर रही थी। एंड वो रहा सूप, आप देख सकते हो वो ब्लैक कलर हेलमेट पहना हुआ। एंड ये रहा, यस। हेलो गाइस, सुप ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका है कि क्या था आज का हमारा प्लान एंड मेरा ड्रीम क्या है। एंड वो रहा ये, मुझे राइडिंग सीखना है एंड आज मैं थोड़ा बहुत सीख गई हूँ, आप लोग देख सकते हो। एंड वो रहा हमारा कोलकाता का फेमस विक्टोरिया मेमोरियल। तो गाइस, आप लोग बताओ क्या लग, एक्चुअली गाइस मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग
फीलिंग आ रही है जब मैं एडिट कर रहा था वीडियो। अच्छा फीलिंग मतलब खुद को ऐसे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा बहुत दिनों का ड्रीम था। यहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया था। एक्चुअली ये मेरा प्रॉब्लम ही हो रहा था कि मैं स्टार्ट करने जा रही थी तो प्रॉब्लम ही जस्ट यही हो रहा था। ट्राई कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। कैसा लगा चलाने में? यस न्यूट्रल हो गया? नहीं हुआ तो इंजन बंद कर दो। इंजन बंद कर दो। स्टैंड दो पहले। मुंह ऐसा कैसे हो गया? मुंह हेलो गाइस वेलकम बैक। हम लोग मैदान से निकल चुके हैं घर जाने के लिए। तो आज मेरा पहला डे था एंड बहुत ही अच्छा था। आप लोग भी बताओ मैं पहले दिन कैसा मतलब मैं कैसी राइड कर पाई। मैंने पहले ही हाँ हाय बोल दिया क्योंकि ब्लॉग मैंने शुरू किया। तो अभी यहाँ से कहाँ ठीक ठाक से आ नहीं रहा इसमें शायद साउंड क्यों ऐसा ये ट्रैफिक के अंदर साउंड आएगा ठीक ठाक से पता नहीं अभी कहाँ अभी हम लोग हैं धर्मशाला मैदान में। तो मैंने जो आप लोगों को बोला था कि मैं यहाँ पर मेरा कुछ साल पहले से मेरा कुछ विश था जो कि मैं पूरा करने का बहुत ही ट्राई कर रहा था बट टाइम नहीं मिल रहा था। तो इस और वो था कि मुझे राइडिंग चलो
दो बहुत आते हैं एंड वो था कि मुझे राइडिंग सीखना, तो इसलिए मैं आज आई एंड मैंने सबको बताया एंड सूप ने भी मतलब वो भी रेडी हो गए एंड हमको ले ही नहीं दिया। तो बोलो ना कुछ, क्या क्या बोलना है? मैं कैसे लो पहले कैमरा में उसके बाद बोलूँ। हाँ तो बताओ कि मैंने क्या से फर्स्ट डे मैंने इतना दूर से आया मैं इतना दूर से एक ही है हाँ। मैं इतना दूर से आया हाँ। सिर्फ बाइक सिखाने के लिए हाँ। थैंक यू और ये सिर्फ थैंक यू। हाँ तो वो सब छोड़ो, तो बताओ कि आज मेरा पहला डे था, मतलब पहला मतलब पहला इसके पहले मैंने नहीं सीखा, तो बताओ कि मैंने क्या मतलब क्या हुआ क्या कुछ तो बोलो मेरे बारे में। दो बार गिर गया, दो बार गिर गई और तीसरी बार जाके इसने सीखी है और बहुत बार चलाई है और क्या हो जाएगा ना हो जाएगा, एक मंथ लगेगा उसके बाद हो जाएगा। इसके पहले ही इसको बड़ी बाइक खरीदनी है क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस करने से ये होगा नहीं तो नहीं होगा। कब मैं बाइक लेकर आऊँगा उसके बाद ये सीख पाएगा। एवरी डे मॉर्निंग में ब्रश करने के तरह बाइक भी चलाना है। आई विल ट्राई। और कुछ? और क्या, फीस दो अभी, फीस दो, बाइक सीखा है फीस दो अभी। क्या फीस? फीस 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 यस। देखो गाइस मुझसे ये फीस मांग रहा है, तो मेरा दोस्त था ना। नहीं टीचर भी हूँ। हाँ टीचर भी हूँ। तो यहाँ पर मैं बाइक को ऐसे ले जा रही हूँ क्योंकि हमारा मुझे बैकग्राउंड चाहिए था क्योंकि मुझे मेरे रील और शॉर्ट्स के लिए वीडियो लेना है लेनी है एंड ब्रेक भी लेना है एंड सूप का भी लेना है, इसलिए मैं बाइक को यहाँ मैंने मतलब दूसरे साइड पे ले जा रहा था क्योंकि वहाँ पर बैकग्राउंड अच्छा आएगा। ब्रेक ब्रेक जाओ 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 ब्रेक देके जाओ जाओ যা ওকে নিয়ে আদর করে একটু বাইকটা রেখে দাঁড় করা যা তাড়াতাড়ি যা। হ্যাঁ তো কি হয়েছে যা না নিয়ে যা না ওকে এটা নেই। फिर उसके बाद मैं सुप का वीडियो ले रही हूँ उसका रील शॉर्ट एंड इंस्टाग्राम के लिए, फिर उसके बाद वो मेरी वीडियो ले रहा था हमारा शॉर्ट रील इंस्टाग्राम के लिए। कुछ ऐसा ही था दिन। आज मेरा पहला डे था मैंने राइडिंग का, तो अच्छा ही गया। मुझे और भी प्रैक्टिस करना है कि मैं जल्दी सीख पाऊँ एंड मुझे बहुत ही जल्दी बाइक भी लेनी है, पता नहीं क्या होगा। सो ओके बाय गाइस, मैं वीडियो यहाँ एंड करती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, गुड नाइट।